हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रजवाड़ों का विलय। पिछली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कैसे हुआ था, क्या क्या समस्याएं सामने आई थी देश के नेताओं के सामने, अंतरिम सरकार के सामने, और बंटवारे के क्या क्या दुष्परिणाम निकल करके आए थे, और मोहम्मद अली जिन्ना का क्या योगदान रहा, महात्मा गांधी ने अपनी शहादत कैसे दी देश के लिए, क्या क्या उनके बलिदान रहे, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रजवाड़ों का विलय। तो ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था, सभी को पता है। जो ब्रिटिश इंडिया था वो दो हिस्सों में था। कैसे दो हिस्सों में था, एक बार हम मैप में देख लेते हैं। देखिए, ब्रिटिश भारत ऑरेंज दिख रहा होगा आपको, जहां पर भी ऑरेंज कलर है सारा, ये पूरा ब्रिटिश भारत था उस टाइम। उसके बाद रियासतें तथा रजवाड़े। रियासतें यानी कि जो प्रिंसली स्टेट थे, यानी कि जहाँ पर राजा रानी वाला सिस्टम था, यानी कि निजाम होते थे। निजाम किनको बोलते थे, जो मुसलमान शासक होते थे उनको निजाम बोला जाता था, और महाराजा कह करके संबोधित जो हिंदू राजा होते थे प्रायः उनको बोला जाता था। काम दोनों का एक ही होता था। तो जो ब्लू कलर में दिख रहा है, ये देसी रियासतें थी, यानी कि रजवाड़े थे, यानी कि राजाओं का राज था यहाँ पर। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया और बलूचिस्तान, ये सब जो एरिया दिख रहे हैं यहाँ पर राजाओं का राज था। और ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है, यहाँ पर अंग्रेजों का राज था हमारे भारत में। पूरे भारत में अंग्रेज नहीं थे, यानी कि पूरे भारत में ही उनका राज नहीं था। जहां पर उनको ज्यादा आमदनी के अपने साधन दिखते थे, जहां से वो ज्यादा लूट सकते थे देश को, तो वहां उन्होंने अपना राज करना अच्छा समझा, और पूरे भारत को उन्होंने अपने अंडर में नहीं लिया। और भारत के बाहर, यानी कि वो पाकिस्तान में भी थे, यानी कि पाकिस्तान तो बाद में बना है, पहले तो दोनों एक ही थे। तो यहाँ पर भी थे, नॉर्थ ईस्ट में भी थे, वो हर जगह थे लगभग, और कुछ एरिया बचे हुए थे। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये जो रजवाड़े हैं, यानी कि राजा हैं, जैसे अंग्रेज भारत से चले गए 15 अगस्त 1947 को, देश आजाद हो गया। तो जो ये राजा थे, जैसे जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह नलवा, ठीक है, और हैदराबाद के निजाम थे। तो इन्होंने क्या कहा कि मतलब ये अपने आप में अलग रहना चाहते थे। अंग्रेज चले गए थे, कुछ राजा ऐसे भी थे, कुछ शासक ऐसे भी थे जो ना पाकिस्तान में जाना चाहते थे ना इंडिया में रहना चाहते थे। वो अलग स्टेट की, यानी कि अलग देश की या राज्य की मांग अपने लिए कर रहे थे। तो ये काम फिर किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। पूरी यानी कि पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का जो काम किया था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इन राजाओं को, शासकों को, यानी कि डरा के, धमका के, प्यार से, हर तरीके से इनको मनाया। हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। जो मेन रियासतें थी ना, जैसे जूनागढ़ की रियासत हो गई, और जम्मू कश्मीर की हो गई, और ऐसे ही हैदराबाद की रियासतें हो गई, इन्होंने भारत में मिलने से, यानी कि भारत के साथ रहने से मना कर दिया था। और बाद में फिर ये भारत के साथ कैसे मिले, हम एक एक को अलग अलग से हम कवर करेंगे। तो आगे चलते हैं। ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था, मैप में देखा हमने। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे, दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े थे। बात कर चुके हैं इस बारे में हम। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। जहां पर ब्रिटिश का राज था वहां पर उनका सीधा सीधा यानी कि नियंत्रण था पूरे देश पे। दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे, यानी कि छोटे छोटे और राज्य थे, इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन हुआ करता था। किसका शासन होता था, राजाओं का। राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता, या कहे कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी, और इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। तो क्या था, अब ऐसा भी नहीं था कि सारी शक्तियां राजाओं के पास थी। यानी कि मान के चलो यहाँ पर अंग्रेज नहीं है, हैदराबाद में अंग्रेज नहीं है, जूनागढ़ में नहीं है, यानी कि उन्होंने ब्रिटिश जो सत्ता थी, यानी कि ब्रिटिश सरकार की अधीनता, यानी कि उनकी गुलामी तो इन्होंने भी स्वीकार कर रखी थी, लेकिन इन्होंने परमिशन ले रखी थी कि हम अपना जो शासन है वो अपने तौर पर ही चलाएंगे, और अगर अंग्रेज यहाँ पर आकर के कुछ करना चाहे, कुछ अपना व्यापार बढ़ाना चाहे या कुछ और करना चाहे, तो हम उनको हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि रोकेंगे नहीं। ऐसा था मामला। इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य,
के एक तिहाई हिस्से में रजवाड़े कायम थे, यानी जो अंग्रेजी हुकूमत के अंदर आने वाला भारत था ना, भारत का जो साम्राज्य था उसके एक तिहाई यानी कि 1/3 हिस्से में क्या थे, रजवाड़े थे, राजाओं वाला सिस्टम था। प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा था, यानी कि उस टाइम अगर 4 भारतीय थे तो उनमें से एटलीस्ट 1, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक जो भारतीय था वो किसी न किसी राजा की प्रजा के अंदर अंतर्गत उसकी गिनती होती थी, यानी कि किसी राजा के वो अंडर में होता था हर 4 में से एक इंसान। आगे चलिए, आगे क्या है समस्या। आजादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आजाद हो जाएंगे। बिल्कुल, आजादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने, यानी कि अंग्रेजों ने ही यह घोषणा कर दी थी कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आजाद हो जाएंगे, यानी कि पूरे भारत को आजाद कर देंगे, साथ साथ जो राजाओं वाला यानी कि जो राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर रखी है, उनकी गुलामी स्वीकार कर रखी है, उनको भी अंग्रेज फ्री कर देंगे अपने राज से, ऐसा कहा गया था। उसके बाद तो इसका मतलब यह था कि सभी रजवाड़ों की संख्या उस टाइम कितनी थी, यानी कि जो देसी रियासतें थी उनको देसी रियासतें बोला जाता है, वो कितनी होती थी उस टाइम, 565, याद रखना इसको, वो थी 565 रियासतें। उसके बाद चलते हैं, ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आजाद हो जाएंगे। अंग्रेजी राज का यह नजरिया था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। देखना, ब्रिटिश लोगों की ये चाल भी बोल सकते हैं, यानी कि उन्होंने हमारे भले के लिए तो क्या काम किया होगा, उनसे कोई उम्मीद की नहीं जा सकती इस मामले में। तो देखो, जैसे मान के चलो हैदराबाद का निजाम है, तो इनको बोला गया ब्रिटिश शासन के द्वारा कि अगर आप चाहो तो भारत के साथ रह सकते हो, अगर आप चाहो तो पाकिस्तान के साथ रह सकते हो, अगर आप चाहो तो स्वतंत्र रह सकते हो। स्वतंत्र रहने का मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि कुछ सालों के बाद फिर ये हैदराबाद ये अपने लिए एक अलग देश की मांग करने लग जाता, जैसे कि ये भी खालिस्तान में हो रहा है ना, कि खालिस्तान की हमें खालिस्तान चाहिए। पहले खालिस्तान की डिमांड नहीं की गई थी, पहले डिमांड की गई थी एक ऐसा राज्य हो जिस जहां पर यानी कि पंजाबियों के लिए, सरदारों के लिए, इनके लिए एक पूरा डोमिनेंस वाला, जहां पे इनका पूरा प्रभुत्व हो, इनकी लैंग्वेज का, साहित्य कल्चर का, एक ऐसा राज्य इनको चाहिए था। लेकिन वो राज्य की डिमांड कब जा करके वो खालिस्तान यानी कि देश की मांग बन गई, वो आप सभी देख चुके हो, सुन चुके हो। तो ऐसा ही अंग्रेज यहां बोल के गए थे हमारे देसी राजा रजवाड़ों को। आगे चलिए, भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था, यह फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दिया गया। और आप कहां रहना चाहते हो, यानी कि ये मान के चलो किसी राजा की प्रजा है, उसका राज्य है, तो ये उसका किंग है, राजा है, तो ये प्रजा से नहीं पूछा जाएगा कि आप कहाँ रहना चाहते हो, ये सिर्फ राजा से पूछा जाएगा, आप भारत में हो या पाकिस्तान में हो उसके हिसाब से आपकी पूरी जो प्रजा है उसको स्थानांतरण कर दिया जाता है, यानी कि उस हिस्से को, पूरे हिस्से को पाकिस्तान का या भारत का हिस्सा मान लिया जाता, जहां पर भी वो जाना चाहते। तो उसके बाद यह अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी और इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा था। बिल्कुल, यह बात हमने अभी अभी डिस्कस की है कि अखंड भारत यानी कि वह भारत जिसका कोई खंड ना हो, टुकड़ा ना हो, अगर ऐसी समस्या निकल करके आती तो भारत के कितने टुकड़े हो जाते। देखिए एक बार मैप में आइए, अगर ऐसा ही होता तो जम्मू कश्मीर अलग देश होता अलग से, जूनागढ़ अलग से होता, हैदराबाद अलग से होता, तो ये सारे अपने आप में अलग अलग देश होते अगर इनके हाथ में सारी बातें सौंप दी जाती, क्योंकि जिसने राज कर लिया, जो राजा रह लिया कहीं पर, उसको एक डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के अंतर्गत यानी कि किसी और के अधीन आने में उस पर मतलब थोड़ा प्रेशर रहता, तो कौन आना चाहता अपने राज्य को छोड़ कर गए। तो इससे अच्छा तो वो अपने अलग देश की मांग कर लेते कि हैदराबाद को अलग देश बनाओ, जम्मू कश्मीर को अलग देश बनाओ, तो ये अखंड भारत के लिए खतरा हो जाता जो अंग्रेज करके गए थे, जो उन्होंने ऐसा बोला था। इसमें दिख रहा है ऑरेंज ब्रिटिश भारत है और ये ब्लू वाला रियासत यानी कि रजवाड़े हैं, जो डॉटेड और ये लाइनें हैं जो रेड कलर की, ये स्वतंत्र भारत की
बाहरी सीमाएं दिखाई गई है, यानी कि जो स्वतंत्र भारत है उसकी ये बाहरी सीमाएं दिखाई गई है। और उसके बाद साइड में आप देख सकते हो, यह नक्शा किसी पैमाने के हिसाब से बनाया गया भारत का मानचित्र नहीं है, इसमें दिखाई गई भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को प्रमाणिक सीमा रेखा न माना जाए, यानी कि सिर्फ ये दिखाने के लिए, शो करने के लिए है। अब नीचे देखिए, नीचे क्या लिखा है इसमें, क्या जर्मनी की तरह हम लोग भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को खत्म नहीं कर सकते, मैं तो अमृतसर में नाश्ता और लाहौर में लंच करना चाहता हूं। देखिए, जैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ था, मैंने जर्मनी के एकीकरण के बारे में आप लोगों को बताया था, किसने किया था जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण किया था किसने, बिस्मार्क ने, जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने। और इसी के साथ ही भारत का एकीकरण किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया था। इसलिए भारत का बिस्मार्क किनको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ये क्वेश्चन है माइंड में कि जैसे जर्मनी एक हो गया, वहां पे आप लोगों ने सुना होगा फर्स्ट पार्ट में पॉलिटिकल साइंस में जो चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत, उसमें बर्लिन दीवार की घटना सुनी होगी आप लोगों ने, रहेगा। अब हम वापिस आ जाते हैं भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पे। तो भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पे उस समय सरकार का नजरिया क्या था, छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बंट जाने की इस संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने, अंतरिम सरकार के बारे में बताया था ना मैंने क्या होता है, कड़ा रुख अपनाया। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया, मुस्लिम लीग ने, उसने करना ही था। तो क्या होता है, लीग का मानना था कि रजवाड़ों को अपनी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाए, कि सभी राजाओं को अपना मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन कई राजा ऐसे भी थे, कई नवाब या निजाम ऐसे भी थे जिनको अपना राज्य यानी कि खुद से चलाना नहीं आता था, जो किसी और के बलबूते पर चलते थे। तो उनको अगर आज़ाद छोड़ दिया जाए तो सीधी सीधी बात है कि वो मतलब एक कोई ना कोई गलत डिसीजन ले लेते, जैसे पाकिस्तान में जाने वाला, वहाँ की जनता हिंदुस्तान के फेवर में थी 100%, लेकिन वहाँ के राजा या निजाम पाकिस्तान में चले जाते तो देखो कितना बुरा होता एक आदमी के कारण। इसलिए उनको मतलब मनमर्जी का रास्ता ना देना एक अच्छा तरीका था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। रजवाड़ों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया, यानी कि बहुत सारे रजवाड़े थे जो राजा थे उनको मना लिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बातों से, अपने विचारों से। बात यह आसान जान पड़ सकता है लेकिन अपने आप में यह बहुत बड़ा जटिल काम था। देखो, हमने आसानी से बोल दिया कि सरदार पटेल ने उनको मना लिया, लेकिन कैसे मनाया ये सरदार पटेल को ही पता है, कितनी उनको मशक्कत करनी पड़ी। इसके लिए बड़ी चतुराई और युक्तिपूर्ण पहलकदमी की जरूरत थी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकीकरण करने, देश का एकीकरण यानी कि एक करने के लिए उन्होंने क्या किया, उनको पता था कि कहाँ मुझे नरमी से काम लेना है, कहाँ मुझे गर्मी से काम लेना है, यानी कि कहाँ मुझे आर्मी का यानी कि फोर्स का सहारा लेना है और किसको मैं ऐसे ही प्यार से मना पाऊंगा देश को एक करने के लिए, सभी राजाओं को एक जगह पे इकट्ठा कर पाऊंगा। मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा में उस समय 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे, उड़ीसा में 26 और छत्तीसगढ़ में 15 और सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े थे और अनेक प्रशासनिक तंत्र थे। अब सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र क्या है, देखो अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, अगर आप देख पा रहे होंगे ये वाला हिस्सा कहलाता है सौराष्ट्र। यहां है नर्मदा नदी, यहां से नर्मदा नदी इस साइड आती है, राजकोट है इसमें, जूनागढ़, बड़ौदा और आज का टाइम का जामनगर और राजकोट। तो ये वाला जो एरिया है इसको बोला जाता था सौराष्ट्र। तो यहां पे इतनी रियासतें बताई गई थी। उसके बाद देसी जो रजवाड़े थे उनकी इस चर्चा से तीन बातें सामने आती है। पहली बात तो यह है कि अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। अगर हम कंक्लूजन यानी कि पूरा रिजल्ट निकाल करके लेकर के आए तो हमें पता लगता था उस टाइम में कि ज़्यादातर जो राजा थे, शासक थे, वो भारत में ही शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार का रुख लचीला था और वो शामिल क्यों होना चाहते थे, यानी कि जहाँ किसी को कोई सुविधा मिलेगी
तो कोई भी राजा वहीं तो जाना पसंद करेगा। और ऐसा तो है नहीं कि एक जगह पे वो राजा है, मान के चलो वो पाकिस्तान में चले गए और वहां जाकर के कोई डिक्टेटरशिप सरकार आ गई, यानी कि आर्मी का शासन आ गया और वहां जो राजा था अपनी प्रजा का, वहां उसको बंधक बना लिया जाए। तो भारत सरकार में उनका जो रुख था, भारत सरकार का राजाओं के प्रति वो लचीला था, वो इसलिए रहना चाहते थे, यानी कि उनको छूट थी बहुत सारी चीजें करने की। वह कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार भी था, जैसे कि जम्मू कश्मीर में था, यानी कि हम अलग से उनको एक अलग से राज्य घोषित कर देंगे, यानी कि अलग से उसको पावर देने के हक में था। 370 के बारे में सुना है, सारी जो अलग से फैसिलिटी मिली हुई थी वो जम्मू कश्मीर को तो मिली हुई थी, अभी मोदी सरकार ने खत्म किया इसको। उसके बाद क्या होता है, तीसरी बात, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों को सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ती रही और ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता एकता का सवाल सबसे ज्यादा अहम हो रहा था। तो विभाजन में सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाली जो बात थी, यानी कि दुखी करने वाली जो बात थी, वो बस यही था कि देश को कैसे ना कैसे करके एकता के सूत्र में बांध के रखा जाए, एकता के सूत्र में पिरो करके रखा जाए। तो शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं आजाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी, 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए। यानी कि ज्यादातर जो रजवाड़े थे जिनकी सीमा भारत के सीमा से मिलती थी, यानी कि जो भारत की आज की प्रेजेंट सीमा के अंदर थे, वो भारत के अंदर ही रह गए। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया और इस पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसे कहा जाता है, यानी कि जितने भी राजा रजवाड़े इंडिया में मिले उस टाइम, तो उनसे एक पत्र लिखवाया जाता था और कि हम ऐसे करके ऐसे ऐसे इन कंडीशनों के साथ इंडिया में आ रहे हैं, और उस पत्र को क्या कहा जाता था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उस सहमति पत्र को कि हम तुम्हारे से कन्विंस हैं, यानी कि सहमति है हमारी इंडिया में मिलने के लिए, हमारे से कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया गया है। इस पर हस्ताक्षर का अर्थ है कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हैं। और 3-4 रियासतें ऐसी थी जिनको थोड़ा जबरदस्ती करके भारत में मिलाया गया, क्योंकि देश का सवाल था, देश की अखंडता का सवाल था। अगर इसमें, यानी कि एक देश का भला करने के लिए किसी के साथ अगर थोड़ा बहुत बुरा भी होता है तो वो बुरा नहीं माना जाता। तो जूनागढ़ की रियासत थी, हैदराबाद के निजाम थे, कश्मीर के राजा थे श्री हरि सिंह नलवा, और मणिपुर की रियासतें थी। इनका विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ, इनको थोड़ा दूसरे तरीके से मनाया गया, यानी कि देश के अंदर लेकर के आया गया, यानी कि यूनिटी में बांधा गया इनको। इनके बारे में हम एक एक करके अलग से पढ़ेंगे सभी के बारे में कि कैसे इनको मिलाया गया है, मैं इनके बारे में थोड़ा और ज़्यादा विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा। इस अध्याय में हम हैदराबाद और मणिपुर की रियासतों का विलय के मामले पर गौर करेंगे। उसके बाद कश्मीर के विलय के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे। चलो, तो साइड में यहाँ लिखा हुआ है, साइड में देखते हैं एक बार, हम आते हैं साइड में। ये बात कही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो रियासतों के जो शासक थे ना, उनके लिए जो पत्र लिखा था उनमें कही थी, हम भारत के इतिहास के एक यादगार मुकाम पर खड़े हैं, साथ मिलकर चले तो देश को हम महानता की नई बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि जो राजा, जो रजवाड़े, जो निजाम भारत में मिलना नहीं चाहते थे, उनको कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कितना ओजस्वी भाषण उन्होंने लिख करके दिया था कि हम सब भारत के इतिहास को, यानी कि एक यादगार मुकाम पर पहुंचाने के लिए, कि एक साइड हम अंग्रेजों से आजाद हुए और दूसरी साइड हमारा पूरा देश यूनाइटेड हो गया, यानी कि हम एक जगह पर बंध गए, पाकिस्तान था वो अलग होना था, वो हो चुका है। साथ मिलकर चले तो देश को हम महानता की नई बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, जबकि एकता के अभाव में हम अप्रत्याशित विपदाओं के घेरे में होंगे। यानी कि हमारे अंदर एकता नहीं होगी तो हमारे अप्रत्याशित विपदा, यानी कि ऐसी विपदा मुसीबतें हमारे सामने आएगी जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हमारे साथ हो सकता है अगर हम अलग अलग रहे। तो आप लोगों ने जब आप 6ठी 7वीं क्लास में, यानी कि 6th 7th क्लास में पढ़ते होंगे, आपने स्टोरी भी सुनी होगी कि एकता में बल होता है, कि एक किसान होता है अपने 4 पुत्रों को लकड़ी तोड़ने के लिए देता है, यानी कि बंडल तोड़ने के लिए देता है, ऐसा करके कि वो शुरू में उनको एक एक लकड़ी देता है कि वो आराम आराम से सभी चारों के चारों लड़के तोड़ देते हैं, बाद में पूरा बंडल देता है, उसको नहीं तोड़ पाते, तो उसका मैसेज होता है कि एकता में बल होता है, सभी ऐसे मिल करके रहना। तो ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने देश के राजा रजवाड़ों को ऐसे समझाने की कोशिश की
कि अगर हम एकता नहीं होगी, हमारे अंदर अभाव होगा, तो हमें अप्रत्याशित जो मुसीबत होगी उनका भी सामना करना होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ भारत की जो रियासतें हैं इस बात को पूरी तरह से समझेंगी कि अगर हमने सहयोग नहीं किया और सर्वसामान्य की भलाई के में साथ मिलकर कदम नहीं बढ़ाया तो अराजकता हो जाएगी, यानी कि देश में कोई अच्छा शासन नहीं होगा और अव्यवस्था हम में से सबको, चाहे कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो, घेर लेगी, हमें बर्बादी की तरफ ले जाएगी। ये बहुत ही ओज से भरा हुआ, यानी कि किसी को भी क्विक डिसीजन लेने के लायक बनाने वाला जो उनकी स्पीच थी, यानी कि जो पत्र था वो लिखा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शासकों के लिए, पत्र लिखा था। कब लिखा था ये? 1947 में। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।